विधायक रामबली यादव ने रविवार को घोसी गोपालगंज बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार के व्यवसायियों से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। विधायक ने बाजार में स्थित काफी दिनों से बंद पड़े सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया। व्यवसायियों ने विधायक से सामुदायिक भवन के चारों तरफ फैली गंदगी के अंबार के प्रति भी ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही घोसी हाई स्कूल से आने वाली पइन, जिससे कई गांवों में सिंचाई का पानी पहुंचता है, कालांतर में उसकी उड़ाही नहीं होने से सामुदायिक भवन के आसपास जल जमाव की स्थिति बन जाती है। उसे भी सिंचाई विभाग के माध्यम से उड़ाही कराने का अनुरोध किया गया, ताकि किसानों के हित में सराहनीय कार्य को अमली जामा पहनाया जा सके। विधायक ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान का आश्वासन दिया और इसे अपने स्तर पर शीघ्र निपटाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान विधायक ने वर्तमान सरकार के नीतियों की आलोचना की और कहा कि नीतीश सरकार के साथ निश्चय योजना और हर घर नल का जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना गरीबों को उजाड़ने की योजना है। इससे जनता का विकास होने वाला नहीं और जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत बताई। जहानाबाद न्यूज के लिए घोसी से सनी केसरी की रिपोर्ट। मैं घोसी को सबसे ज्यादा अगर हम देख रहे हैं संकट में, तो कृषि संकट है। और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि घोसी में जो घोसी बाजार है जी, वो जल जमाव से लेकर के परेशान है। और किसान जो है सिंचाई के कारण परेशान है, सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह हाई स्कूल से ये जो नाला या पइन जो है आया है जी, वो बाजार होते हुए गोपालगंज मोहल्ला से होते हुए ये उत्तर तरफ जो निकली है जी, तो हम लोग इसकी गुंजाइश देख रहे हैं कि अगर इस नाले का निर्माण ये हो जाए जी जी, थोड़ा ठीक ठाक से, तो शहर जल जमाव से भी बच जाएगा और साथ साथ कई गांवों का इससे सिंचाई का जी उपयोग में ये नाला आ जाएगा जी।